गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है अक्षय नवमी, जो कि कार्तिक मास को शुक्ल पक्ष को उजुड़िया तिथि में नवमी के दिन मनाया जाता है और इसे अक्षय नवमी कहते हैं। और ये इसमें आमला का पूजन होता है। आमला के जल में भोजन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दान दिया जाता है, श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। इसमें विष्णु और लक्ष्मी भगवान का पूजन होता है। और तो ये पूजा है, दीदी भी करती है, मेरी फूफा सास जो आई हुई वो भी पूजा करती है। तो हम और दीदी दोनों सुबह में मॉर्निंग में नहा के तैयार वार हुए और उसके बाद पहले मंदिर में पूजा की। उसके बाद बाहर आमला है और तुलसी जी है, तो उसमें हम और दीदी जी ने पूजा की। और उसके बाद मंदिर गए, फिर वहाँ पे कथा सुने, आमला के पूजन किए, श्रृंगार का सामान सब है वो सब दान दिए, ये सब इसमें होता है। और इसमें आमला के जड़ में आमला के जड़ में वो जो शिशकुमर रहता है उसमें चीर के उसमें दान देकर दान दिया जाता है। और आज के दिन आमला से ही पहले आमला और खजूर खाकर आमला के जड़ में पानी पिलाया जाता है। तो ये सब था। उसके बाद हम दीदी पहले पूजा की, उसके बाद हम पूजा की। पूजा करने के बाद दोनों आदमी मंदिर चले गए और इधर छोटी सब खाना सब बना रही थी, तरुआ सब आप बना जाता है और खिलाया जाता है। और ये ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखें, मिथिला में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मानता है होती है। और ये ब्लॉग देखिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, ज़रूर देखिएगा।
दीदी जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। हमर दीदी पूजा करने लगे और पूजा करने के बाद कथा हुआ, हम लगने में पूजा किए। तो आप लोग ये ब्लॉग देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा।
खूब खुश।